दोस्तों, जैसे कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपनी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बदलाव के काम शुरू कर दिए हैं। काफ़ी सारी स्कीम्स मर्ज कर दी गई हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स के नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, झील्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिलायंस म्यूचुअल फंड हाउस के उन फंड के बारे में जिन्हें मर्ज कर दिया गया है और उन फंड्स के बारे में जिनके नाम भी बदल दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलायंस टॉप 200 फंड का नाम कर दिया गया है रिलायंस लार्ज कैप फंड। रिलायंस फोकस लार्ज कैप फंड को मर्ज कर दिया जाएगा रिलायंस मिड एंड स्मॉल कैप फंड के साथ। रिलायंस मिड एंड स्मॉल कैप फंड का नाम बदल दिया गया है और कर दिया गया है रिलायंस फोकस्ड इक्विटी फंड। रिलायंस क्वांट प्लस फंड का नाम बदल करके कर दिया गया है रिलायंस क्वांट फंड। रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड इक्विटी ऑप्शन का नाम बदल करके कर दिया जाएगा रिलायंस वैल्यू फंड। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड का नाम बदल करके कर दिया जाएगा रिलायंस पावर एंड इंफ्रा फंड। रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फंड का नाम बदल करके कर दिया जाएगा रिलायंस कंजम्पशन फंड। रिलायंस एनआरआई इक्विटी फंड का नाम बदल के कर दिया गया है रिलायंस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और आखिर में आता है रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड बैलेंस्ड ऑप्शन को बदल करके कर दिया गया है रिलायंस इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों, आपको ये सारे चेंजेस इसी महीने यानी कि अप्रैल 2018 से देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।